गिरधारी दास बाबा की जय। प्यारे भाइयों, बांसुर की यहाँ परम सम्माननीय आदर योग्य और जागरूक यहाँ की जनता आवाम, देखिए कितने ही अधिकारी आए, कितने ही गए, लेकिन जब आमजन किसी अधिकारी के पक्ष में इस तरह इकट्ठा होता है तो उसका कोई कारण होता है। राजनेताओं को भी इकट्ठा करने के लिए संगठन को कहना पड़ता है, लोगों को कहना पड़ता है, प्रचार करना पड़ता है, प्रसार करना पड़ता है। लेकिन आज यहाँ बांसुर के जितने जागरूक लोग हैं, 36 कौम के लोग हैं, युवा भी हैं, वकील भी हैं, पत्रकार भी हैं, व्यापारी भी हैं, किसान भी है, मजदूर भी है, हर वर्ग का व्यक्ति यहाँ उपलब्ध है। और वो इसलिए क्योंकि जो डीएसपी साहब जिनका स्थानांतरण हुआ, अब मैं आपको सही शब्दों में बताऊं तो जिस तरह सोने में 24 कैरेट होता है, उसी तरह 24 कैरेट गोल्ड ये व्यक्ति था। और जिस तरह की पुलिसिंग, जिस तरह की पुलिस की कार्य प्रणाली बांसुर की जनता को चाहिए थी, उस तरह का कार्य इन्होंने करके दिखाया। यहां इतने ब्लाइंड मर्डर हुए, एक का खुलासा नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनेताओं का और पुलिस का गठजोड़ चल रहा था। अब ये अधिकारी आए और इनके आने के बाद में यहाँ कभी हरसोरा चौक पर गोलाबारी होती थी, कभी श्यामपुरा में गोलाबारी होती थी, कहीं किसी मेडिकल वाले को पीट दिया जाता था और आम जन असुरक्षा महसूस करता था। इन सब परिस्थितियों से निर्भीक तरीके से होकर इस पूरे रैकेट को डीएसपी साहब ने अपने देखरेख में तोड़ा। मैं ये कहता हूं, जो काम एक पुलिस के सिपाही, हेड कांस्टेबल, सीआई, एएसआई सारे मिलकर करते हैं, उन सभी कामों पर मॉनिटरिंग उनकी इतनी जबरदस्त थी कि यहाँ बहुत जल्द शांति व्यवस्था कायम हुई और आम जन में ये विश्वास हुआ कि कानून और पुलिस किसी संस्था का नाम है जो आम लोगों में विश्वास पैदा करती है। अब हमारे जो राजनेता हैं, जो बड़े मुश्किल से जिनको जनता ने, चाहे जिला पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे मंत्री हो, 4 बार उनको चुन चुन कर भेजा और उनकी कार्य प्रणाली इस प्रकार की रही कि कभी तो बेचारा होने के नाम पर इस जनता से वोट लिए, लोगों से राखी डोरे का संबंध बनाया, लोगों की सहानुभूति प्राप्त की, विधायक बने, मंत्री बने और फिर अंत में जिस जनता ने उनको सर पे बैठाया, इतना मान सम्मान दिया, उसी जनता का डर ऊपर मुख्यमंत्री जी को दिखाया कि मुझे मेरी पब्लिक से डर लग रहा है, मुझे किसी भी तरह से आप सुरक्षा दीजिए ताकि उनका मंत्री पद भी सुरक्षित रहे और उनका डेकोरम बना रहे और उनके अवैध काम भी चलते रहे, इसलिए उन्होंने ये किया। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि जनता की आवाज भगवान की आवाज होती है। इतनी बड़ी जनता का अपमान कोई भी, चाहे नेता हो, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, किसी को भी नहीं करना चाहिए। हम 10 लोगों का घर चलाते हैं, उसमें भी हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे सभी घर के परिवार के सभी लोग संतुष्ट रहे। ये किसी भी कारण से यहाँ की जनता की भावुकता के कारण इनको जनादेश मिला और जो वादे इन्होंने आज तक किए, सारे ही कार्य उससे उल्टे किए। जब भी यहाँ बांसुर की पब्लिक को जरूरत पड़ी, तब पब्लिक ने महसूस किया कि कहीं ना कहीं इनका संरक्षण तो अपराधियों के प्रति है,
ये नहीं चाहती किसी भी ब्लाइंड मर्डर का खुलासा हो, कहीं भी जनता की तकलीफ में ये जाकर साथ खड़ी नहीं हुई, कहीं कोरोना के नाम पर जो मीटिंगें इनके विरोध में होने वाली थी कानून व्यवस्था को लेकर मैनपुर में, उस मीटिंग को इन्होंने कोरोना के नाम पर 144 लगाकर भंग कराया। भ्रष्टाचार का ये आलम कि यहां कोई भी व्यक्ति अगर उसको ईमानदारी से पूछे तो व्यक्ति वही यहां टिका हुआ है जो या तो पैसे देकर आया है और या इनको कमा कर दे रहा है। इस ईमानदार अधिकारी के चलते इनके मंसूबे यहां पूरे नहीं हो रहे थे और एक रैकेट जो गलत कार्य करके लोगों को ब्लैकमेल करके पुलिस के माध्यम से ब्लैकमेलिंग के ऐसे कार्य करता है, औरतों के हथकंडे अपनाते हैं, कुछ लोग एससी एसटी के केस का दुरुपयोग करते हैं, ऐसे रैकेट में लोग शामिल कर लेते हैं और उनकी आड़ में शासन की मदद लेकर लोगों को प्रभावित किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ कहीं एससी एसटी का कोई व्यक्ति प्रताड़ित हो रहा है और वास्तव में वो प्रताड़ित है, लेकिन वो अगर व्यक्ति इनके पहचान का है तो उस व्यक्ति को चाहे लाख कोशिश करे उसको कानूनी सहायता नहीं मिली है। तो इस कानून व्यवस्था से सब लोग दुखी हो गए और शेखावाटी में एक कहावत कही जाती है, पहले तो ये कहते थे कि भाई हम पावर में नहीं है, अब जब ये पावर में आ गए तो इनकी कार्यशैली एक शेखावाटी में बोलते हैं कि भाई रेबारण थी और ऊंट पर रेबारण थी और डाकण बन गई तो ऊंट पे चढ़ चढ़ के और खाने लग गई, पहले तो नीचे ही खाती थी। तो ये क्या है, कुल मिला के अधिकारों का दुरुपयोग है, जो आपने शक्ति दी उनका दुरुपयोग है। इस अवसर पर मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि मैं भी सक्रिय राजनीति में और इस धरती से जुड़ा हुआ हूं, हमें अगर समय मिला, जनता माता का आशीर्वाद मिला तो मैंने पहले भी कहा है और आज भी डंके की चोट पे कह रहा हूं, जिस तरह योगी जी के राज में अपराधियों ने अपने गले में तख्तियां टाक कर ये कहना चालू कर दिया था कि उन्होंने अपराध छोड़ दिया है, इस तरीके से इस बांसुर से अपराधियों को भगा देंगे। मैं 2.5 महीने यूपी में रहा और मैंने ये जनता के बीच में रहकर जाना, केवल मुट्ठी भर लोग होते हैं जो अपना अल्लू साधने के लिए अनैतिक तरीकों से धन कमाने के लिए 95% जनता को तकलीफ में देते हैं। 95% जनता 36 कौम में चाहे किसी भी वर्ग की हो शांति से जीवन यापन करना चाहती है, लेकिन 5% लोग जब सरकार का संरक्षण होता है, जब वहां नेताओं का संरक्षण होता है तो वो 95% लोगों का जीना आराम कर देते हैं। ऐसा नहीं किया जाएगा, हमारा समय रहा तो आप सबकी सेवा में कसर नहीं छोड़ेंगे और ऐसे जो ईमानदार अधिकारी हैं उनको आग्रह करेंगे और बड़े मान सम्मान के साथ उनको आपकी सेवा में रखेंगे, उनका सम्मान रखेंगे और जो अपराधी वृत्ति के अधिकारी हो चाहे लोग हो उन पर हमारा शिकंजा रहेगा। लेकिन मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है, इसमें कोई भी अमर नहीं होता, इसमें कोई राजा महाराजा पैटर्न नहीं है और विरोध करने का अधिकार सबको है, किसी को भी डरना नहीं चाहिए, अपनी अभिव्यक्ति अपनी बात को स्वतंत्र रूप से कहना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं चाहे कहीं भी भ्रष्टाचार हो, कोई भी करना चाहे, गलत कार्य किसी का भी हो, आप डरे नहीं, उसका विरोध करें और जिस किसी भाई को तकलीफ महसूस होती है तो कभी भी आप हमारे सामने आप उस मुद्दे को लाएं, हम आपका भरकस प्रयास करेंगे सहयोग करने का। इस मुद्दे को लेकर भी मैंने परसों ही मुख्यमंत्री जी को मेल किया और आप सब जनता की भावना को मैंने व्यक्त कराया है, ये उनकी मजबूरी है। एक अनुभवी व्यक्ति जिनका शासनकाल अब से पहले इस तरह का नहीं रहा था, लेकिन विधायकों ने और मंत्रियों ने उनको ब्लैकमेल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी है,
और अपना हित अपना उल्लू साधने के लिए किसी भी हद तक वो लोग जा रहे हैं। आज भले ही वो सुरक्षा लेकर आप लोगों के बीच में घूम रहे हैं, लेकिन जब आचार संहिता लगेगी और जनता के बाद सामने अपने कामों का हिसाब देना पड़ेगा कि क्या आपने बेरोजगारों के लिए किया, क्या आपने किसानों के लिए किया, किन लोगों की आपने VCR भरवाई, किन लोगों का आपने राजनीतिक द्वेष से तबादला करवाया, किन लोगों से आपने पैसे लेकर बाहर के लोगों को यहां बैठाया, इस भोली भाली जनता को किसके भरोसे छोड़ा, इन सब बातों का जवाब बिना किसी प्रोटेक्शन के देना पड़ेगा और वो समय इनके लिए बहुत भारी रहने वाला है। मैं इनको जनता की भावना से आगाह कराना चाहता हूं कि जनता का भाव समझे और इन अधिकारी को देखिए, ऐसे अच्छे अधिकारी की डिमांड सब जगह होती है, आने वाला अधिकारी भी अच्छा हो सकता है, लेकिन यहाँ जनता ने परेशान रहकर इनको एक उत्तम अधिकारी के रूप में माना है और मैंने पहले भी कहा कि इनको 24 कैरेट लोगों ने अपने व्यवहार में तोला है, इसलिए जनता इनके लिए बहुत ज्यादा इनको चाहती है और आने वाला हम चाहते हैं कि बढ़िया ही आए, लेकिन इनका तबादला जन भावना को रखकर मंत्री जी को करना चाहिए और ये ढकोसले उनको बंद कर देने चाहिए कि भाई ये सब रूटीन प्रोसीजर है। रूटीन प्रोसीजर कुछ भी नहीं है, विधायक के मर्जी के बगैर आज विधानसभा क्षेत्र में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, DSP तो बहुत बड़ी बात। तो आप सब अपनी भावनाओं से इंगित कराते रहे हैं, मैंने भी मुख्यमंत्री जी को मेल किया है, आप सब लोग मुख्यमंत्री जी को अपने पत्र मेल कीजिएगा और यहाँ से 10,000 कम से कम लोग जो जागरूक है वो उनको मेल करें कि ये जो ट्रांसफर हुआ है ये गलत है, इस अधिकारी को यहाँ जनता के लिए न्याय व्यवस्था के लिए रहना जरूरी है, यही मेरा आपसे कहना है। आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे हैं और हमारे जागरूक साथी भाई राकेश राजेश जी गुरु जी और माधाराम जी दीक्षित साहब और यहाँ लाठा जी सभी जितने लोग हैं भाई सतपाल और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कोई ऐसा नहीं समझे कि कोई भी कम योग्य है, हम सब लोग एक ही कानून के अंदर जीते हैं, सभी को समान हमको हक प्राप्त है और सभी को अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए। आप अपना विरोध आज ही मुख्यमंत्री जी को मेल डालकर कराएं और मंत्री जी को कहें ताकि इनका तबादला निरस्त हो और यहाँ की जनता जो 3 साल से यहाँ दुख तकलीफ मर्डर बलात्कार देख रही थी उनसे बाहर रहे और सुरक्षित रहे। आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।